हे गाइस वेलकम बैक इन माय न्यू वीडियो। तो गाइस यार आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग किस तरह से व्हाइट हेयर्स को ड्रॉ कर सकते हो। तो आप लोगों को पता होगा कि यार जब भी हम लोग कोई रियलिस्टिक या फिर हाइपर रियलिस्टिक ड्राइंग ड्रॉ करते हैं तो उसके अंदर जो सबसे ज्यादा मुश्किल पार्ट होता है वो होता है कि हम लोग उसमें व्हाइट बियर्ड और व्हाइट हेयर्स को एक्यूरेटली और एकदम अच्छे से ड्रॉ नहीं कर पाते। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग किस तरह से व्हाइट हेयर्स को ड्रॉ कर सकते हो। और ये जो मेथड मैं आप लोगों को बताऊंगा ये मेरा मेथड है, जिस मेथड से मैं ड्रॉ करता हूँ व्हाइट हेयर्स को। मैंने लास्ट वीडियो में भी इसी मेथड को यूज़ किया था। तो अगर आप लोगों को मेरा मेथड पसंद आता है तो आप लोग इसे ज़रूर ट्राई करना। इससे आपकी ड्राइंग काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव होगी और आप लोग भी हाइपर रियलिस्टिक ड्राइंग जो है बना पाओगे। तो चलिए यार वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके गाइस, सबसे पहले आप लोगों को व्हाइट हेयर्स को ड्रॉ करने के लिए मैं आप लोगों को एक टेक्निक सिखाना चाहता हूँ जो कि मैं यूज़ करता हूँ। और गाइस इस टेक्निक का नाम है पेंसिल आइडेंटेशन। तो इसके अंदर होता है क्या ना कि हम लोग को एक खाली चीज़ ले लेनी है, कोई खाली पेन ले लेना है जो भी आगे से शार्प हो, और बस हम लोगों को पेपर के ऊपर इस तरह से डेप्थ ऐड करनी है और इस तरह से लाइंस ड्रॉ करनी है। तो गाइस अभी होगा क्या ना कि जब हम इस तरह से लाइंस को ड्रॉ करेंगे तो जो पेपर है उसके अंदर ये इस तरह से टेक्स्चर आ जाएगा, और जब हम लोग इसके ऊपर शेडिंग करेंगे तो ये जो लाइन हम ड्रॉ करें ये हमें वाइट दिखेंगी। वो मैं आपको बताऊँगा कैसे। अभी यार यहाँ पर अगर आप लोग देखो तो मैंने इस तरह से लाइंस ड्रॉ कर दिए हैं, आप लोग खाली पेन का भी यूज़ कर सकते हो। अभी गाइस यार यहाँ पर मैं जो है ना यूज कर रहा हूँ एक ग्रेफाइट पेंसिल, तो मेरे पास मेरी मैकेनिकल पेंसिल है। तो यहाँ पर अभी मैं करूंगा क्या ना कि सबसे पहले ये जो मैंने अभी लाइंस ड्रॉ करी है इसके आसपास शेड कर दूंगा। तो गाइस अभी यहाँ पर अगर आप लोग देख सकते हो तो मैंने यहाँ पर शेड कर लिए कम्प्लीटली, और आपको शेड करते वक्त बिल्कुल भी प्रेशर का अप्लाई नहीं करना, इससे जो है ना हमारी जो लाइन्स है वो स्मज हो सकती है पेपर में। तो अभी यार आप लोग देखो यहाँ पर मैंने इस तरह से शेड कर दिया, और अभी अगर आप लोगों को मैं बताऊँ तो यार अभी यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको ब्लेंड देता हूँ, दिखा देता हूँ। तो मैं ब्लेंडिंग के लिए ब्रश का यूज करने वाला हूँ, तो मेरे पास ये मेकअप ब्रश है तो इसका यूज कर लेता हूँ मैं। अभी अगर आप लोग देखोगे तो आप लोगों को विजिबल नहीं है यहाँ पर ये जो लाइन थी। अभी यहाँ पर मैं क्या करूंगा ना मोनो जीरो इरेजर का यूज करूंगा और जो व्हाइट लाइन हमने ड्रॉ करी उन्हें इरेज कर दूंगा। तो यार जब हम लोग उन्हें इरेज करेंगे तो उनके ऊपर जो ग्रेफाइट थी वो वहां से इरेज हो जाएगी और वो हमें काफी ब्राइटली दिखेंगी लाइन्स। तो अभी अगर आप लोग देखो तो यहाँ पे आपको व्हाइट लाइन जो है वो अच्छे से दिख पा रही होंगी। तो गाइस यार आप लोग इसी तरह से इरेज कर सकते हो नीडेबल इरेजर का यूज करके भी, अगर आप लोग के पास मोनो जीरो इरेजर नहीं है तो आप लोग उससे भी इरेज कर सकते हो। बाकी गाइस अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर अभी यहाँ पर आप लोगों को व्हाइट लाइन जो विजिबल हो चुकी हैं। अभी यहाँ पर मैं यूज करने वाला हूँ वापस से मैकेनिकल पेंसिल का, और जो हमने यहाँ पर व्हाइट लाइन लगाई उन्हीं के साथ साथ उन्हीं की डायरेक्शन में हम लोग ब्लैक लाइन्स लगाएंगे, यानी कि डार्क लाइन लगाएंगे, जिससे कि ऐसा लगेगा कि उसमें जो है ब्लैक हेयर्स भी हैं थोड़े बहुत, और उससे काफी रियलिस्टिक भी लगेगा। फिलहाल अभी आप लोगों को मैं जो टेक्निक सिखा रहा हूँ तो आप लोगों को अभी तो नहीं लग रहा होगा। तो ओके गाइस यार जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो अभी यार मैं आप लोगों को एकदम सिंपल तरीके से इस टेक्निक को सिखा रहा हूँ। अब यार ऐसा नहीं है कि आप लोग इस टेक्निक का व्हाइट हेयर्स में यूज कर सकते हो, आप किसी भी चीज में जिसमें भी व्हाइट डॉट्स हैं कुछ है उसमें आप लोग इसका यूज कर सकते हो। अभी मैं आपको बियर्ड ड्रॉ करना सिखाता हूँ। तो यहाँ मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया है, इसके अंदर मैं जो बियर्ड की डायरेक्शन के अंदर मतलब कि जो मैंने पहले स्केचेस ड्रॉ करे हैं वैसे ही मैं इसमें भी बियर्ड ड्रॉ करने वाला हूँ, और आप लोगों को काफी सिंपल तरह से मैं समझाऊंगा। तो यहाँ पर बस आप लोग को इस तरह से हेयर्स को ड्रॉ कर देना है, और आप लोग को हेयर्स को एक ही डायरेक्शन में ड्रॉ नहीं करना, आप लोगों को उनकी डिफरेंट डायरेक्शन रखनी है जिससे कि जो हेयर्स हैं वो थोड़े ज्यादा अच्छे लगें और रियलिस्टिक लगें। अब यार ये चीज आपके रेफरेंस पर डिपेंड करती है कि आपके उसमें जो हेयर्स हैं वो किस डायरेक्शन में है। तो अभी अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर जो है मैंने काफी सारी लाइन्स ड्रॉ कर दी हैं, और अभी यार आप लोग को इसी तरह से करना है। और गाइज आप लोग को एक चीज का ध्यान रखना है कि जो आपका पेपर है वो थोड़ा मोटा होना चाहिए, नहीं तो जो आपका पेपर है वो फट भी सकता है। तो पेपर आपका जो है मोटा होना चाहिए। बाकी अभी गाइस यहाँ पर मैं शेडिंग के लिए यूज कर रहा हूँ अप्सरा की 8B पेंसिल का। तो अभी यार यहाँ पर मैं इन्हीं पेंसिल्स को यूज कर रहा हूँ अभी कुछ टाइम से, तो एक काम करता हूँ ना मैं यहाँ पर अभी जो है ना एक बेस शेड दे देता हूँ। तो शेडिंग करने के लिए आप लोगों को सिर्फ एक ही डायरेक्शन में शेड करना है, और काफी इजिली शेड आप लोग कर सकते हो इसके ऊपर से, और यहाँ पर जो व्हाइट लाइन होंगी वो जो है ऊपर की तरफ दिखेंगी आप लोगों को अच्छे से और काफी इजिली। अभी गाइस जितना ज्यादा आप लोग डार्क करोगे उतनी ज्यादा आप लोगों को ज्यादा विजिबल रहेंगी, अगर जितना ज्यादा आप लोग लाइट रखोगे उतना ज्यादा वो आप लोगों को विजिबल नहीं रहेंगी। तो यहाँ पर अभी मैं एकदम मीडियम टोन दे रहा हूँ, उसके बाद मैं इसमें डार्क टोन दूंगा। तो अभी अगर आप लोग देखो तो यहाँ आप लोगों को जो है शेडिंग के अंदर व्हाइट लाइंस विजिबल है। तो अभी गाइस यार यहाँ पर आप लोगों को जो है शेडिंग अच्छी नहीं लग रही होगी, तो अभी मैं एक काम करता हूँ यहाँ मैं ब्लेंड कर देता हूँ।
तो यहाँ पर अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ ब्रश का ब्लेंडिंग के लिए, और ब्लेंड करने के बाद यहाँ पर सारा जो टोन हमने डाला है वो एकदम स्मूथ हो जाएगा और इवन हो जाएगा, जिससे कि आप लोगों को वाइट लाइन्स काफ़ी अच्छे तरह से दिख जाएंगी। तो अभी अगर आप लोग देखो तो आप लोगों को वाइट लाइन्स थोड़ी थोड़ी विजिबल रहेंगी, लेकिन यार अभी जो है ना इसके ऊपर ग्रेफाइट आ चुकी है, तो इसके ऊपर एक लेयर आ चुकी है जिससे कि आप लोगों को उतना अच्छे से नहीं विजिबल रहेंगी। अभी यहाँ पर जो है ना गाइस मैं साइड्स पर थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ, जिससे कि यार ये एक बॉल के जैसा लगे। अभी फिलहाल मैं ऐसे ही कर रहा हूँ, आप लोगों को नहीं करना, जैसा आपकी फ़ोटो में शेड होगा आपको वैसे ही करना है। यहाँ पर बस मैं इसे थोड़ा सा जो है डेप्थ लाने के लिए ऐसा कर रहा हूँ। तो अभी यहाँ पर मैं जो कॉर्नर पर यानी कि साइड्स पर शेड कर देता हूँ, तो उसके बाद हम लोग यहाँ पर बाकी का प्रोसेस फॉलो करेंगे इस टेक्निक का। तो ओके गाइस यार यहाँ पर अभी मैंने डार्क शेड कर लिया, और अभी यार यहाँ पर मैं ब्लेंडिंग करूँगा और उसके बाद हम लोग इरेज करेंगे। तो यहाँ पर अभी जो थोड़ा सा पार्ट बच रहा है वहाँ पर मैं शेड करके ब्लेंड कर देता हूँ। तो अभी यहाँ पर मैं ब्लेंडिंग के लिए ब्रश का यूज़ करूँ, और यार आप लोगों को ब्रश का यूज़ करना है क्योंकि यार ब्रश से जो है काफ़ी इवनली ब्लेंड हो जाता है, और जो उसके अंदर वाइट हेयर्स हैं वो भी हम लोगों को विजिबल रहते हैं। और अगर आप लोग ब्लेंडिंग स्टम्प का यूज़ करोगे तो उससे क्या होता है ना कि जब आप लोग उसका यूज़ करोगे तो जो आपकी वाइट लाइंस हैं वो अच्छे से दिखेंगी नहीं और वो स्मज हो जाएंगी पेपर में, क्योंकि वो आगे से हार्ड होते हैं। तो अभी यार यहाँ पर मैं इरेज कर रहा हूँ यहाँ पर जो लाइंस हैं इन्हें। और अभी यार अगर आप लोग के पास मोनो जेल इरेजर नहीं है तो आप लोग इस तरह का नीडेबल इरेजर यूज़ कर सकते हो। ये आप लोग को मार्केट में 40 रुपीज़ का मिल जाता है फैबर कैसल का, और मैं फैबर कैसल का यूज़ कर रहा हूँ और मेरे पास ये काफ़ी टाइम से है, तो ये काफ़ी ज़्यादा मैं यूज़ करता हूँ इसी तरह के हेयर्स को ड्रॉ करने में। अभी अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे तो इससे भी हम लोग काफ़ी ईजिली हेयर्स को ऑप्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप लोग मोनो जेल इरेजर का यूज़ करोगे तो आप लोग को थोड़ा सा ईजी और अच्छे से आप लोग के हेयर जो हैं इरेज हो जाएंगे। अदरवाइज़ आप लोग को नीडेबल इरेजर भी यूज़ कर लेना चाहिए ऐसे चीज़ों के लिए। अभी का यार यहाँ पर आप लोग देखोगे तो मैंने काफ़ी सारे वाइट हेयर जो हैं ड्रॉ करे थे और उनके ऊपर मैंने इरेज कर दिया, तो अभी यहाँ पर जो हमारे वाइट हेयर हैं वो विजिबल हो चुके हैं, लेकिन अभी भी यार ये उतने ज़्यादा विजिबल नहीं है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा ना, यहाँ पर अगर आप लोग देखो तो मैंने इरेज तो कर दिया, लेकिन अभी यहाँ पर जो है ना इसके अंदर हम लोग ब्लैक हेयर्स को भी ड्रॉ करेंगे। थोड़े बहुत ब्लैक हेयर्स ड्रॉ करने इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि कहीं इसी से जो है थोड़ा रियलिस्टिक लुक आता है और जो आपकी ड्राइंग है वो रियलिस्टिक लगती है। तो अभी यहाँ पर बस हमें एक सिंपल लाइन ड्रॉ कर देनी है जैसे मैंने आपको पहले सिखाया। तो यहाँ पर इस तरह से मैं लाइन्स ड्रॉ कर रहा हूँ, और अभी अगर आप लोग देखोगे तो आप लोग को थोड़ा सही लग रहा होगा। और अभी यार यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो हम लोगों को उतनी ज़्यादा जो है ये ब्राइट लाइन्स नहीं मिली हैं, तो इसके लिए मैं यूज़ करने वाला हूँ अभी वाइट जेल पेन। अभी मैं ये जो है वाइट जेल पेन न्यू ही परचेज करके लाया हूँ, यूनिबॉल सिग्नो 0.7। तो आप लोगों को जो 0.5 से ज़्यादा वाला ही लेना है, क्योंकि गाइस जो इसकी टिप होनी चाहिए वो थोड़ी मोटी होनी चाहिए जिससे कि जो इंक है वो ज़्यादा ब्राइट निकले वहाँ से और जो आपके हेयर्स हैं वो ब्राइट लगे। तो यहाँ पर मैं इस पेन का ज़्यादा यूज़ करता हूँ, ये जेल इंक वाला पेन है। और अभी आप लोगों को करना क्या ना कि बस उन वाइट हेयर्स के ऊपर इसका यूज़ कर देना है, और आपको ऐसा नहीं करना कि आप लोग बिना इरेज करे इसका यूज़ कर दो। उससे क्या होगा ना कि जो इसकी आगे की टिप है वो ख़राब हो जाएगी, ग्रेफाइट उसके अंदर चली जाएगी। तो पहले आप लोग को इरेज कर देना और उसके बाद आप लोग को इसका यूज़ करना है। और अभी अगर आप लोग देखोगे तो आप लोग को जो वाइट हेयर्स हैं वो अच्छे से विजिबल हो रहे होंगे और काफ़ी ब्राइटली आपको जो दिख भी रहे होंगे। तो बस यार यही टेक्निक होती है वाइट हेयर्स को ड्रॉ करने की। और अगर आप लोग के पास ये वाला वाइट जेल पेन नहीं है तो आप लोग किसी भी कंपनी का वाइट जेल पेन यूज़ कर सकते हो। ये वाला वाइट जेल पेन अगर आप लोग को परचेज करना है तो यार ये जो है काफ़ी चीप में मिल जाता है, ये 50 रुपीज़ तक का मिल जाता है। नहीं तो आप लोग सकूरा का भी यूज़ कर सकते हो, उसका भी प्राइस यही होता है। पहले मैं सकूरा भी यूज़ करता था लेकिन मुझे बेस्ट यही लगता है। तो गाइज अभी यहाँ पर जो है वाइट हेयर्स हम लोगों ने ड्रॉ कर लिए हैं। तो ओके गाइज यार ये मेरे कुछ स्केचेस जो मैंने अभी ड्रॉ करे हैं रिसेंटली, और इनके अंदर मैंने इसी टेक्निक का यूज़ करा है वाइट हेयर्स को ड्रॉ करने के लिए। तो जो भी आप लोग इस टाइगर की ड्रॉइंग के अंदर मुस्टैच देख रहे हो इसमें मैंने जेल पेन का यूज़ करा है वाइट, और यहाँ पर उसी टेक्निक का यूज़ करा है उससे पहले। तो अभी अगर आप लोग देखोगे तो हम लोग इस तरह के हेयर्स को भी ड्रॉ कर सकते हैं। अभी यार ये जो स्केच है ये मैंने अभी लास्ट वीडियो में ड्रॉ करा था, आप लोगों ने देखा ही होगा, और इसी के अंदर मैंने जो है वाइट बियर्ड ड्रॉ करी थी। तो अभी अगर आप लोग देखोगे क्लोजली तो आप लोग को अच्छे से वाइट बियर्ड जो है दिख जाएगी। और गाइस बस यार यही तरीका होता है वाइट बियर्ड को ड्रॉ करने का, मैंने अपने सारे स्केचेस में इसी तरीके से वाइट बियर्ड को ड्रॉ करा है, और यही मेथड गाइस काफ़ी सारे आर्टिस्ट यूज़ करते हैं अपनी ड्रॉइंग्स में और मैं भी यूज़ करता हूँ। अभी यार अगर आप लोगों ने अपने स्केच में ब्लेंडिंग नहीं करी तभी भी वो जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छे से दिख जाएंगे, जैसे कि आप लोग ये वाला स्केच देख सकते हो, इसमें मैंने ब्लेंडिंग नहीं करी थी तब भी आपको काफ़ी अच्छे तरह से विजिबल हो रहे होंगे। तो बस यार यही टेक्निक होती है
पेंसिल एडेंटिंग और वाइट हेयर्स को ड्रॉ करने की। तो गाइज अभी मैंने इसी टेक्निक का यूज़ करके अपने सारे स्केचेस में वाइट हेयर्स वगैरह ड्रॉ करे हैं। और गाइज ऐसा नहीं कि आप लोग सिर्फ वाइट हेयर्स ही ड्रॉ कर सकते हो, आप कुछ भी ड्रॉ कर सकते हो। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को मेरा वाला मेथड पसंद आता है वाइट हेयर्स का तो यार इस वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और बेल नोटिफिकेशन को भी दबा देना, क्योंकि गाइज हम लोगों के 400 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने ही वाले हैं। तो जल्दी से जल्दी 400 सब्सक्राइबर भी कंप्लीट करवा देना और यार इस वीडियो को प्लीज शेयर भी कर देना। ये सब करोगे तो मुझे काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलेगी और सपोर्ट भी मिलेगा। मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। तो चलो गाइज यार मैं मिलता हूँ आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।